हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षीज कुकबुक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फेस्टिव सीजन स्पेशल रेसिपी, जो कि है बेसन के लड्डू की रेसिपी, जो कि बनेगी मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी और दानेदार। तो अगर आपको इस रेसिपी की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए फिर बिना देर किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रेसिपी। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बेसन की प्रिपरेशन कर लेंगे। यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है मैंने। 1 कप बेसन को आप बोल में डालने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून घी। और हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून दूध। और इन तीनों को हम दोनों हाथों की हेल्प से, जिस तरह मोयन देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक दानेदार मिक्सचर हम इसका अच्छे से इस तरीके से हाथों पे मल के हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमने अच्छे से इस तरीके का बना के रेडी कर लिया है। हमें इसी तरीके से इसे बना के तैयार करना है। आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार है। इसी से हमारे लड्डू में दानेदार जो टेक्सचर होता है बेसन के लड्डू में, वो आएगा। तो अब जब तक ये थोड़ी देर सेट होता है, हम तगार या बूरा जो आप कहते हैं वो बना के रेडी कर लेते हैं। वैसे तो हम मार्केट से ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन इसे घर पर बनाना भी बहुत ईजी है। तो चलिए फिर इस क्वांटिटी के बेसन में हमें कितने बूरे की ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम तगार बना लेते हैं। तगार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 कप + 2 टेबलस्पून चीनी ले ली है। इस चीनी में हमें बहुत ही कम, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून पानी लिया है। इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा और पानी ऐड कर लिया था इसमें, क्योंकि मुझे वो थोड़ा कम लग रहा था। मैंने 2 और टेबलस्पून पानी इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा हुआ है, और लो फ्लेम पे हमें इसे तब तक रखना है जब तक कि पूरा चीनी इसमें पिघल नहीं जाता। अगर आप हाई फ्लेम पर चीनी पिघलाएंगे तो ये जो है ब्राउन होने लग जाएगी, हमारा तगार जो है वो नहीं बनेगा अच्छे से। तो चलिए हम पहले लो फ्लेम पर चीनी को पिघला लेते हैं। अब यहाँ पर चीनी अच्छे से पिघल चुकी है और मैंने फ्लेम को भी जो है वो हाई पे कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें जो है ये वाइट कलर का झाग जो है वो आना शुरू हो गया है। अभी 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये इसका कंसिस्टेंसी जो है वो हनी जैसा हो जाएगा। हमें तभी तक का वेट करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके इस चाशनी का कलर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कलर आपका चाशनी का जो है वो चेंज होने लग गया तो फिर आपकी तगार जो है वो सफ़ेद नहीं बनेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चाशनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल हनी जैसी हो गई। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा घी, ज़्यादा घी ऐड नहीं करना है हमें, इस बात का ध्यान रखें। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब सिर्फ हमें इसे 1 मिनट के लिए ही फ्लेम पर रखना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपको जो है वो ये और ज़्यादा फोमी और वाइट लगने लग जाएगा। बस अब हमें इसे इसी स्टेज तक फ्लेम पे कुक करना है, और अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। लेकिन इस बात का खासा ध्यान रखें कि हमें इसे स्टर करना बिल्कुल नहीं रोकना है, हमें इसे कंटिन्यूसली जो है वो मिक्स करते रहना है, जैसे मैं कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपने इसे मिक्स करना रोका तो वहाँ पर इसमें क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो जाएगी और इसके बड़े बड़े जो है वो लम्स बन जाएंगे और तगार बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो आप इसे इस तरीके से मिलाते रहें, धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि ये अपने आप ही तगार बनने लग जाएगा। इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नहीं बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब इसका टेम्परेचर अपने आप डाउन होने लग जाएगा, ये तगार बनने लग जाएगी। आप अभी देख पा रहे होंगे कि इसका कलर पहले से जो है वो गाढ़ा हो गया है, धीरे धीरे ये पूरा वाइट हो जाएगा और ये जो है तगार बहुत अच्छी बन के रेडी होगी। जैसा आप मार्केट से ख़रीद के लाते हैं आप देखते जाएंगे, लेकिन हमें इस बीच में रुकना नहीं है, हमें अपने हाथों को कंटिन्यूसली जो है वो स्टर करते रहना है इसके तगार को बनाने के लिए, नहीं तो तगार नहीं बनेगी। अब यहाँ पे हमारी तगार बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बन गई है। और आप चिंता ना करिए, जो आपको इसमें ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं ना, हम इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर से, और उसके बाद जो ये इसमें गाँठे हैं आप इन्हें ये मिक्सर के ग्राइंडर जार में डाल के
एक पल्स मार दे, ये सब टूट जाते हैं। अब यहाँ पे हमने जो बेसन को मिक्स करके रखा था उसे भी हम स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि अगर उसमें भी कोई गुठलियाँ हों तो वो भी निकल जाए। अब हमने यहाँ पे स्ट्रेन करके इसे रेडी कर लिया है। अब ये बिल्कुल फाइन हो चुका है, इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं है। तो अब हम बेसन को भूनने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब हमने कढ़ाई गरम कर ली है और यहाँ पे हमने 1/4 घी जो है कढ़ाई में ऐड कर लिया है। और यहाँ पे हमने पिघला हुआ घी लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें ज़्यादा घी नहीं लेना है, क्योंकि बेसन के लड्डू में अगर ज़्यादा घी डल जाता है तब भी उसको बनने में बहुत प्रॉब्लम आती है। कम हो जाएगा तो हम उसे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा घी बिल्कुल ना डालें। और अब हम यहाँ पर जो बेसन हमने रेडी करके रखा था वो इसमें डाल लेंगे, और हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक पहले अच्छे से भूनेंगे। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि घी कम है, लेकिन इसमें घी डालने की गलती बिल्कुल ना करें। आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए जब भून लेंगे तो फिर आपको देखेंगे कि ये घी भी रिलीज करने लग जाएगा और इसमें अच्छे से भुनने की खुशबू भी आने लग जाएगी। तो चलिए फिर हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पहले भून लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बेसन को भूनते हुए यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी दानेदार हो चुका है। आपको दिख रहा होगा, पहले जो आपको दिख रहा होगा काफ़ी स्मूथ सा जब हमने इसमें डाला था, वो काफ़ी दानेदार हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारे जो लड्डू बनेंगे वो भी काफ़ी दानेदार बनेंगे। तो अब हमें इसे थोड़ी और देर भूनना है। थोड़ी और देर भूनने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो बेसन जल जाएगा और कच्चे भी रह जाएंगे लड्डू, जिससे कि वो गले में चिपकेगा या दांतों में चिपकेगा और उसका टेस्ट भी बेसन बेसन जैसा ही आएगा। तो अभी हम इसे थोड़ा और भून लेंगे, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसमें से घी भी ऊजा आउट होने लगेगा। 10 से 12 मिनट इसे भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें से घी बिल्कुल अलग हो चुका है और ये बहुत अच्छे से भून भी गया है। अब इसमें से बहुत अच्छी भूनने की खुशबू भी आ रही है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही लाइट हो गया है। तो अब इस स्टेज इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे फ्लेम को कर लेंगे ऑफ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसे दूसरे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है और हमें अभी इसके कुकिंग प्रोसेस को यहीं पे रोक देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया और हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, और इसके ठंडा होने के बाद ही हम इसमें तगार या बूरा जो कह लीजिए वो मिक्स करेंगे। तो चलिए फिर हम इसके ठंडा होने का वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेसन हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें धीरे धीरे तगार मिलाएंगे। तो अब हम अपने हाथों का यूज़ करेंगे क्योंकि स्पैचुला से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी तगार। तो यहाँ पे पहले मैं इसमें से हाफ क्वांटिटी जो है तगार का वो इसमें डाल दूँगी और हम इसे पहले अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। इसी तरीके से आप धीरे धीरे करके इसमें सारा ही तगार मिक्स कर लें। अगर आप थोड़े कम मीठे लड्डू खाना पसंद करते हैं तो आप जो है थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इतने बेसन के लड्डू बनाने के लिए इतना तगार जो है वो इनफ रहता है। अब यहाँ पे मैंने तगार और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो इलायची का पाउडर और अपने पसंद के हिसाब से मैं इसमें थोड़े से बादाम के कतरन और थोड़े से पिस्ता के कतरन डाल रही हूँ। आपको डालना हो तो आप डालें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हम इन सबको अच्छे से एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून के अकॉर्डिंग जो है वो घी इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको भी अगर लगे कि मिक्सचर ज़्यादा ड्राई है तो आप बाद में इसमें घी ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि बाद में हम घी ऐड करेंगे, लेकिन पहले अगर घी ज़्यादा डाल देंगे तो फिर लड्डू बनने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम इस जो हमने घी डाला है इसे भी हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अब हमारा मिक्सचर बनके बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसके लड्डू बांध लेंगे और आप देख रहे हैं ये काफ़ी दानेदार है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से, इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि ये बन नहीं रहा है, लेकिन आप चिंता ना करें, आप इसे फोर्स करते हुए इस तरीके से धीरे धीरे गोल गोल करते रहें और दो चार बार ऐसा करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके लड्डू जो हैं वो बहुत ईजीली बन जाएंगे। आप देख रहे हैं ये लड्डू बन के बिल्कुल रेडी है, देख रहे हैं आप। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बांध के रेडी कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपने एक बार ये लड्डू बना लिए फिर आप दोबारा कभी मार्केट से बेसन के लड्डू लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि ये इतने टेस्टी बनते हैं और इसमें हर एक मटेरियल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बेसन हो, घी हो, ड्राई फ्रूट्स हो, हर चीज़ जो है वो घर की है, तो क्वालिटी तो है ही, साथ ही साथ ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? इस फेस्टिव सीजन में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।